जनवरी का स्पेलिंग अब तुम बोल करके बताओ। जी हाँ आए हाँ आर हाँ यू हाँ जनवरी जनवरी हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम कुमार। विक्रम का स्पेलिंग क्या होता है? बी आई के यू आर एन। सिक्स क्लास का बच्चा है और जनवरी का स्पेलिंग लिख रहा है, लिखिए। हाँ जी एच आई जी एच आई जी एच आई। आओ, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तुम कौन से राज्य में रहता है? मैदी। मैदी राज्य में। ए बी सी डी में क्या अक्षर होता है? ए बी सी डी में हाँ 24 गो। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1947। पहले रसोई हुआ करता होगा, लेकिन इस रसोई में खाना नहीं बनता है, बच्चों का पैखाना जरूर होता है। खाना बनाती हैं तो पानी कहाँ से लाती हैं? पानी ला रहा है गांव से, कल बिगाड़ गया 3-4 दिन से। अच्छा कल। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी पूरे बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कड़ाके की चेकिंग चल रही है। बोले तो जो निरीक्षण का जो कार्य है वो जोरों शोरों से किया जा रहा है, और इसका जो एक मुख्य कारण है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुधारना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नियम बनाने से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट सुधर जाता तो बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट कब का चकाचक हो जाता। लेकिन कुछ दिनों से 3-4-5-10 दिनों से एजुकेशन डिपार्टमेंट के हरेक विद्यालयों में जाकर के अधिकारी पदाधिकारी विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वाकई में शिक्षक आ रहे हैं, वाकई में बच्चे को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मैदी कला गाँव में, और ये जो गाँव है इस्लामपुर प्रखंड के जो प्रमुख हैं उनका गाँव है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैदी कला, और स्थापित वर्ष है 1973, मतलब कि 1973 में इस विद्यालय को बनाया गया था, और उसके बाद से लगातार यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो शिक्षण का कार्य है वो किया जाता है। ये स्कूल का मुख्य द्वार है और ये बाउंड्री है, असामाजिक तत्वों के द्वारा बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। और जब स्कूल में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको शौचालय दिखेगा, और शौचालय का भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, बोले तो मतलब कि है ही नहीं। ऊपर में यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस विद्यालय में क्या क्या कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो क्या किए हैं। उधर जाएंगे तो जाने का भी रास्ता नहीं है, अगर पानी यहाँ पे पड़ जाए तो विद्यालय के प्रांगण में मतलब कि 10-15 फीट उधर क्या बोलते हैं कि गड्ढे में एक तालाब जैसा बना हुआ है उसमें पानी संग्रहित हो जाता होगा। ये क्या बोलते हैं कि विद्यालय के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग आपको दिखेगा, उस वाले बिल्डिंग में बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो जर्जर है, और इसके ऊपर जो बिल्डिंग है उसमें बैठ करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, और उधर से स्टेयर से सीढ़ी है उससे लोग ऊपर जाते हैं, टीचर लोग ऊपर जाते हैं, बच्चे लोग ऊपर जाते हैं। और इधर वाले भवन को दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि इस भवन में अब पढ़ाई नहीं होती है। इधर अगर आप विद्यालय के दक्षिण साइड में आएंगे तो आपको देवी मंदिर दिख जाएगा, और देवी मंदिर में जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होता होगा वो होता होगा। और सबसे खास बात यह है कि विद्यालय के प्रांगण में ही देवी जी का मंदिर भी है, और इस विद्यालय प्रांगण में 2 चापाकल है। जैसा कि अभी हेड सर बता रहे थे कि इस विद्यालय में 2 चापाकल है, लेकिन 2 चापाकल तो है, दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों चापाकल से पानी नहीं निकलती है। अब इतने भीषण गर्मी में बच्चे को प्यास लग जाए, शिक्षक को प्यास लग जाए तो कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इधर जब आप आएंगे तो हम आपको बताएं ना कि बहुत बड़ा स्कूल है, तो इधर एक बिल्डिंग बना है लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ नहीं होता है, एकदम बिल्कुल न्यूली है, अभी इसमें प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ है। और एक चापाकल ये है, ये भी चापाकल में क्या बोलते हैं कि पानी नहीं निकलती है। और इधर ये शौचालय है क्या है ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा लग रहा है कि पहले रसोई हुआ करता होगा, लेकिन इस रसोई में खाना नहीं बनता है, बच्चों का पैखाना जरूर होता है। और ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मैदी कला का क्या बोलते हैं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। एक कमरा ये है, और ये कमरा किस लिए बनाया गया है ये शायद खुलेगा भी नहीं, और इसके अंदर भी शौचालय ही है।
खुलता है लेकिन अभी नहीं खुल रहा है, शायद मतलब कि वो जाम हो गया है। और ये है रसोई, तो रसोई एक है रसोइया, क्या नाम हुआ मैडम आपका? सुनीता देवी सर। सुनीता देवी कहाँ के रहने वाली हैं? मैदी कला। अच्छा मैदी, क्या बन रहा है आज खाना? सब्जी बहुत है सर। किस चीज़ का सब्जी? आलू सोयाबीन है, मंगल है। अच्छा आलू सोयाबीन का सब्जी बना रही हैं। डेली खाना बनता है? डेली बनता है सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, डेली बनता। सर सब कुछ देते हैं ला करके? सब कुछ देते हैं। सब कुछ देते हैं। एक बात बताइए मैडम, इधर आइए, धुआं आ रहा है उधर से, स्मोक आ रहा है, इधर आइए इधर। हाँ जब आप खाना बनाती हैं तो पानी कहाँ से लाती हैं? पानी ला रहे हैं गाँव से, कल बिगाड़ गया 3-4 दिन से। अच्छा कल बिगाड़ गया है तो गाँव से लाती हैं। अगर बच्चे को पानी पीना हो, आपको पानी पीना हो, तो मतलब कि गाँव में जाना? नल जल चालू करा ला जाता है। अच्छा नल जल चालू होगा उसके बाद खाना बनेगा? नहीं चालू डेली रहता है। हाँ। मतलब 11 बजे बंद होता है ना, तो सर चालू करवाते हैं, कल मतलब बंद है तो चालू करवाते हैं। अच्छा नल जल चालू करवाते हैं तो ठीक है, पानी गिरता है यहाँ पे, पानी गिरता है, लाइन कटल है, तो जाइए गाँव में और वहाँ से पानी लाइए। अब कल अब मजदूरी बिगाड़ गया है तब क्या करल जाता है सर? हाँ भाई तो कल बिगाड़ गया है दुद्दू, वो कल है और इतना गर्मी है, बच्चों को थाल बर्तन उर्तन कहाँ मजते हैं? पानी है पर ला के देते हैं आओ। अच्छा पानी लाते हैं अपने गांव से और फिर यहीं पे बर्तन उर्तन मान जाता है? मानते हैं और कुछ करेंगे? कल बिगड़ा रहता ना तो बच्चा कल पर करता था। अच्छा बच्चा कल पर साफ सुथरा होता होगा लेकिन कल अभी बिगड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र पहले था कि अभी भी है? पहले था लेकिन अब इसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय का रसोई बन चुका है। और उस तरफ पूरा भवन है और भवन में कैसे पढ़ाई हो रहा है, कौन कौन सर आए हैं, कौन कौन सर नहीं आए हैं, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। और जो सुपरविज़न चल रहा है बहुत हाई लेवल वाला, वो इसी का चल रहा है। पहले लोग बताया करते थे कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं विद्यालय, लेकिन जब से सुपरविज़न स्टार्ट हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, तब से जो मतलब कि अधिक शिक्षक हैं वो समय पे विद्यालय आ जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समय पे आने से और मतलब कि भवन को रंग रोगन करवा देने से क्या क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी से जब आप ऊपर चलेंगे तो आपको जो मतलब कि हायर क्लास के बच्चे हैं 2, 3, 4, 5 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और अभी जो यहाँ के शिक्षक हैं वो बता रहे थे कि इस विद्यालय में लगभग 300 स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर शिक्षक की बात की जाए तो कुल्लम 4 शिक्षक हैं और 4 शिक्षक के सहारे पूरा स्कूल संचालित होता है। उसमें भी एक जो शिक्षक हैं वो प्रधानाध्यापक हैं। और ये क्लास कौन सा है वो सर से ही वार्तालाप करेंगे। शुभ नाम सर आपका? गौरव कुमार। अच्छा गौरव सर आप ही हैं, कहाँ से आते हैं सर? पहले इस्लामपुर से। अच्छा बैठ जाइए आप लोग। हाँ कौन से क्लास के बच्चे हैं सर? 7-8। 7 और 8 क्लास के बच्चे क्या पढ़ा रहे हैं अभी? हिंदी 7 का। अच्छा 7 क्लास का हिंदी पढ़ा रहे हैं। शब्दार्थ बता रहे हैं, दानी पे क्या मतलब कि हिंदी में कुछ कहानी वगैरह चल रहा है या फिर क्या चल रहा है? कहानी चल रहा है सर। अच्छा कहानी चल रहा है दानी पेड़ के बारे में, दानी पेड़ का कहानी बच्चे पढ़ रहे हैं 7 और 8 क्लास के बच्चे हैं, है ना? क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी। खड़े हो जाइए। वंदना कहाँ से आती हैं पढ़ने? मैदी कला। मैदी कला से। कौन से क्लास में पढ़ती है? 7 क्लास में। दानी पेड़ में सर क्या बता रहे थे अभी? कहानी पढ़ रही हैं जी। इस कहानी में क्या बताया गया है, कोई बताएगा कहानी के बारे में? एनीबॉडी एल्स? कोई भी कहानी में क्या बताया गया सर, संक्षेप में बताइए थोड़ा सा। पेड़ के बारे में बताया गया, दानी पेड़ होता है, पेड़ में फलों का राजा होता है। अच्छा, हाँ। पेड़ से हम लोग क्या क्या मिलता है, मैंने बड़ी सारी चीज़ मिलता है। अच्छा, पेड़ से हवा मिलता है, पेड़ से फल मिलता है, पेड़ से लकड़ी मिलता है, यही सब के बारे में शायद बताया। लिख भी दिए हैं सर। अच्छा हाँ यहाँ पे लिख भी दिया, देखिए यहाँ पे पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़ एक होता है, ये है पेड़ से क्या क्या मिलता है, हवा, जल, जलावन मतलब कि लकड़ी, फल, जानवर के लिए भोजन, मतलब कि ये सब जो चीज़ें हैं वो पेड़ से मिलता है। कहाँ से आती हैं पढ़ने? मैदी क्लास से। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 8। 8 क्लास में पढ़ती हैं। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? दानी पेड़। दानी पेड़। इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा था? इसके पहले हो रहा था हिंदी। नहीं हिंदी के पहले कौन क्या पढ़ रहे थे आप? हिंदी के पहले नहीं। और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है 8 क्लास में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अच्छा कौन से राज्य में रहती हैं छोटी? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में रहती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। बिहार में कुल कितने जिले हैं?
38 38 जिले। आप कौन से जिले में रहते हैं? नालंदा जिला में। नालंदा जिला में रहते हैं। नालंदा जिला का डीएम का नाम पता है आपको? जी नहीं। डीएम का नाम है, किसी को पता है? किसी को नहीं। नालंदा जिला के जो डीएम है उनका नाम है शशांक शुभंकर, ठीक है? लिख दीजिएगा सर, बता दीजिएगा बच्चों को। बतावल है, बच्चे को याद नहीं है वो अलग बात है। आप जी कहाँ से आते हैं पढ़ने? मैं जी सर केम्मा में पढ़ते हैं 7th क्लास। तो कॉपी किताब लेकर के नहीं आए? सही आ गए। कॉपी है। कहाँ है? तो ऊपर लाइए ना भाई, सर पढ़ा रहे हैं आपको, तब कॉपी होना चाहिए ना। 7th क्लास में पढ़ते हैं। यस सर। नाम क्या है? कौशल। कौशल कुमार। ड्रेस आपको नहीं मिला है? मिला है सर, फट गया है। तो फट गया है तो सिलवाना चाहिए ना। सिलवाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब आप ड्रेस पहन कर आएंगे तब लगेगा कि आप बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। यस सर। पापा क्या करते हैं? किसान है। कि कहाँ घर बताया था? मैदी कला। मैदी कला के रहने वाले आप जी? आप भी ड्रेस पहन करके नहीं आए हैं? खींचने के लिए। खींचने के लिए दे दिए हैं। घड़ी पहन कर, घड़ी में कितना बजा है? 12:05 कम रहा है। 12:05 कम रहा है। मैदी से आते हैं पढ़ने? किमा पढ़ते हैं? सातवां में। सातवां में पढ़ते हैं। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? दानी पेड़ के बारे में। दानी पेड़ के। और क्या क्या पढ़ना होता है आपको सातवां में? बहुत कुछ है। जैसे? जैसे मैं जैसे सब जैसे मैं देश अपना कब आजाद हुआ था पता है? 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1947 ईस्वी में। हाँ 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1947 ईस्वी में मनाया जाता है। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। झंडा फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस स्कूल में कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को। और गणतंत्रता दिवस? ठीक है। आप स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है छोटू? 26 जनवरी को। और गणतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को। सही बता रहा है सर बचवा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है छोटी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। नहीं, वो तो देश आज़ाद हुआ था, मनाया कब जाता है? 15 अगस्त। 15 प्रत्येक साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? और प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, समझे? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग 7वां 8वां के बच्चे हैं, और जब आप बाजार जाएंगे ना तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि दानी पेड़ में क्या बताया गया था, आपसे यही पूछेंगे कि देश कब आज़ाद हुआ था, देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी हैं। लालू यादव कौन है? लालू। खड़ी हो जाओ तो तुम, सातवां में तुम पढ़ता है यार, बताओ सर तुमको मुख्यमंत्री नहीं पता है बिहार के? बिहार के मुख्यमंत्री। अरे बिहार के मुख्य चक्कर आने लगा तुमको? नहीं। बिहार के मुख्य, ये सब तो चेतना सत्र में बताया जाता होगा सर। अभी बता रहे थे जब हम आए थे तो सर बता रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। हाँ, तो ऐसे कन्फ्यूज क्या हो जाता है यार, तुम लोग जीनियस बच्चे हो, ठीक है? ये सब याद रखिएगा, ठीक है? 7वां 8वां के आप लोग बच्चे हैं, ठीक है सर, पढ़ाइए बच्चों को। ये 7-8 क्लास के बच्चे थे, और ये है 3-4 क्लास के बच्चे। और ये जो मैडम हैं इनके बारे में दाद देना पड़ेगा, पटना से डेली आती हैं पढ़ाने के लिए, डेली आना है और डेली जाना है, और वो भी समय पे आती हैं, मतलब कि पटना 80 किलोमीटर दूर है। बैठ जाइए आप लोग, ठीक है? क्या कोपल कक्षा, मतलब कि 4 का जो हिंदी का किताब है उसका नाम है कोपल, है ना मैडम? क्या नाम है? कोपल। आपका क्या नाम है? प्रीति कुमारी। प्रीति कहाँ से आती हैं पढ़ने? मैदी से। मैदी से। क्या मैम पढ़ाओ? चौथा में। चौथा में पढ़ाओ। अच्छा, अभी मैडम क्या पढ़ा रहे थे? किताब। किताब में कौन सी? कहानी। पापा का क्या नाम है? रमेश कुमार। पापा क्या करते हैं? पापा करते क्या है? खेती करते हैं पापा। आपके जी, आपके पापा क्या करते हैं? पान के खेती करते हैं। कहाँ? मैदी में। पापा क्या नाम है? सिकंदर चौरसिया। हाँ,
हमरो पापा का नाम है सिकंदर चौरसिया। ये सिकंदर चौरसिया जी की लड़की है। क्या मैम पढ़ती है छोटी? तीसरा क्लास। मैडम अभी क्या पढ़ा रहे थे? कहानी की भी किताब से। किताब में से कहानी। आप कहाँ से आती पढ़ने छोटी? मैदी से आते हैं। क्या मैम पढ़ते हैं? तीसरा चौथा क्लास के जो बच्चे। इधर आना छोटू तुम, टोपी वाले भैया इधर आइए। टोपी पहन करके आए हैं, फिल्म देखने आए हैं। क्या मैम पढ़ते हैं? चौथा में। क्या क्या आता है आपको? कोची कोची आता है? इधर आइए ना। किताब आता है। ABCD आता है? ABCD में क्या अक्षर होता है? ABCD में हाँ 24 गो। क्या मैम पढ़ते हैं? चौथा में पढ़ते हैं। और ABCD में 24 अक्षर होता है। अच्छा सुनो एक सेकंड, तुम कौन से राज्य में रहता है? मैदी राज्य में, बिहार। अच्छा एक सेकंड सुनो, मैदी राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं मैदी राज्य में रहता है। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। ना जाना ही सुना ना। इधर चौथा में पढ़ा होता है। अब कौन से कंट्री में रहते हैं, कौन से देश में? बिहार देश में रहते हैं। अरे तेरी के, बिहार देश के प्रधानमंत्री कौन है? ये सब बच्चों को नहीं बताते मैडम। अच्छा इधर हाँ। सुनो आवा किन तो घूमा कि पढ़ने आता है कि घूमने आता है? भाग जाते हैं उन्हें खेत देने। हाँ पढ़ते हैं छोटी। कमा पढ़ते हैं? तीसरा क्लास में पढ़ते हैं। ये सब पढ़ो यार, नहीं तो ब्याह नहीं होगा, समझा? पढ़े नहीं करेगा तो ब्याह कैसे होगा? पढ़े लिखेगा ना तब ही बनेगा नवाब, और नहीं पढ़े लिखेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अब पहले वाला जमाना गया कि खेती बाड़ी कर लेंगे। देखिए मैडम यहाँ पे पढ़ा रहे थे किताब में कोई मतलब की कहानी। इधर आ जाइए मैडम थोड़ा सा। प्रतीक्षा है ना, प्रतीक्षा कहानी बता रहे हैं मैडम। एक बार भगवान बुद्ध से रिलेटेड कहानी है। और कहाँ से आती हैं मैडम आप? हम तो अभी फिलहाल पटना से आते हैं। पटना से डेली अप डाउन करती हैं? हाँ। अच्छा मतलब कि आने जाने में बहुत परेशानी भी होता होगा मैडम। तब बच्चा को भी देखना है ना, बच्चा वो स्कूल है ना, देखना समय से स्कूल आना है, समय से जाना है। बाकी वहाँ बच्चा है तो बच्चों को भी तो हमको संभालना है ना। वही बोल रहे हैं पटना 80 किलोमीटर दूर है, और 80 बच्चा से समय से आते हैं। नहीं आप समय से आते हैं, नो डाउट, हमको पता है कि आप समय से आती हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि समस्या बहुत होता होगा। समस्या तो होता है, हर चीज़ की समस्या होता है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं होता। बाकी स्कूल के बच्चा, यहाँ भी बच्चा को देखना है, मेरा अपना भी बच्चा को देखना है। अपना भी बच्चा को देखेंगे नहीं, उसको भी तो देखभाल हमरे करना ना है। आपके पति क्या करते हैं? पति तो कुछ नहीं करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ? ये सब चौथे पांचवे क्लास के बच्चे हैं। हाँ? ये सब बच्चे को मैडम पढ़ा रही हैं। पटना से आती हैं और डेली आती हैं पढ़ा। ए बच्चा तुम बैठ जाओ और पढ़ो मन लगा करके, ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ये कार्यालय है और इधर एक और कक्ष है पाँचवा और छठा के लिए। और अंदर आ जाए सर, धन्यवाद। ये सब जो बच्चे हैं ये पढ़ा रहे हैं सर हिंदी, सभी क्लास में हिंदी का पढ़ाई हो रहा है। मतलब कि 1 क्लास में भी, 4 क्लास में भी, 6 क्लास में भी, 8 क्लास में भी। और हिंदी में हॉकी का जादूगर कहानी का नाम है ना सर? बच्चे को बुक रीडिंग करने के लिए बता रहे हैं ना? जी सर। कहाँ से आते हैं आप? सिलाव से आते हैं। कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये 5 है 6। अच्छा एक तरफ 5 क्लास के बच्चे हैं, दूसरी तरफ 6 क्लास के बच्चे हैं। टीचर का यहाँ पे घोर अभाव है, जैसे कि प्रधानाध्यापक बता रहे थे। क्या खड़े हो जाइए, कहाँ घर है? मैदी कला। पापा का क्या नाम है? जितेंद्र चौरसिया। किमाम पढ़ते हैं? 6 क्लास में। 6 क्लास में क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हिंदी पढ़ रहे थे। इस सुगम गणित के तुम किताब ले ले है, किमा के है? सातवां क्लास का बुक पढ़ रहे हैं। और नाम अभी है छठा में, मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं ना? यस सर। तब मैथ में क्या क्या जानते हैं? मैथ में जानते हैं कुछ के मथे, उसको कुछ ही बोलता है जो नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, ये सब जानते हैं। और अथी लघुत्तम, ये सब जानते हैं। अच्छा लघुत्तम महत्तम सब जानते हैं? सब जानते हैं। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² - 2ab। अच्छा
आप जी कहाँ से आते हैं पढ़ने? मेहदी कला। पापा का क्या नाम है? नंदन यादव। क्या? नंदन यादव। नंदन यादव कौन से राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में कुल कितना जिला है? 38। 38 जिला है। आप कौन से जिला में रहते हैं? नालंदा जिला। नालंदा जिला में रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप कौन से कंट्री में रहते हैं? कंट्री। कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, बैठ जाइए। आप छोटू कहाँ से आते हैं पढ़ने? जी उमराव बिघा। आए उमराव बिघा। मैदी कला उमराव बिघा। मैदी कला उमराव बिघा से आते हैं आप जी। आप तो पूरा एकदम मूड में बैठल है। इधर आइए। क्या मां पढ़ते हैं? सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास में। क्या कर रहे थे अभी? बैठल। बैठल थे सर। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। हिंदी। बाल ऐसे एकदम झुलफी कटवाए हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट है ना। ड्रेस कहाँ है आपका? ड्रेस घर पर छूटी है, फिंचा गया सर। अच्छा फिंचा गया। मंगलवार ना है सर, दो ही दिन में ड्रेस फिंचा गया। आपको आता क्या क्या है? जोड़ हटाओ गुना भागा लगता। ये तो मैथ का हो गया। एक साल में कितना दिन होता है? एक साल में 365 दिन। और एक सप्ताह में? 7 दिन। एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट। आप कौन से देश में रहते हैं? कौन सा? भारत देश में। भारत देश में रहते हैं। और जी कौन से जिला में रहते हैं? नालंदा जिला। कौन से राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार क्या वही ही प्रधानमंत्री बना दिया? नीतीश कुमार अभी महागठबंधन बना रहे हैं और तू प्रधानमंत्री ही बना दिया। बिहार में कुल कितने जिला हैं? 38 जिला। ठीक है। तुम छोटू आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी है ना। आप कौन से राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य। बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले। 38 जिले हैं। संडे मंडे आता है जी। जनवरी कैसे लिखाता है? जनवरी। जनवरी का स्पेलिंग बताइए तो। जी आइए। चौक है सर, चौक। इधर आना छोटू। 8 क्लास 7 में ना पढ़ता है? 6 में। चौक किधर है? चौक उठाओ तो यहाँ पे लिखो तो जनवरी का स्पेलिंग। इधर हटना छोटी। जनवरी लिखो तो। बढ़िया से दिखाइएगा गौतम। ये 6 क्लास बताए ना सर। 6 क्लास का बच्चा है और जनवरी का स्पेलिंग लिख रहा है। लिखिए। हाँ जी एच आई। जी एच आई। जी एच आई आओ। जी एच आई आर। जी एच आई आर है यू। हाँ लिखो यू। अच्छा फरवरी लिखिए तो। जनवरी तो चलिए आप नहीं लिख पा रहे हैं। फरवरी लिखिए। ये सब मतलब कि बेसिक जो नॉलेज है सर, ये सब बचवा को बताते नहीं है का? बताते हैं। फरवरी जनवरी का स्पेलिंग अब तुम बोल करके बताओ। जी हाँ आई हाँ आर हाँ यू हाँ जनवरी। जनवरी हो गया। जनवरी का स्पेलिंग कौन बताएगा? है तू माना छोटू। तू माना वो भी तुम्हारा दोस्त है जी। अभी के साथ पढ़ता है जी। इधर आना। इधर आओ। तुम दोनों एक ही गांव के हो गए आई होप। मैदी ना घर है आपका? भी मैदी घर है। जनवरी का स्पेलिंग इसको बताइए। जे ए एन यू ए आर वाई। समझा? पापा का क्या नाम है आपका? विजेंदर मांझी। विजेंदर मांझी। हाँ पापा का नाम लिखिए तो यहाँ पर इंग्लिश में। देखिए पापा का नाम लिख रहे हैं। बी बी आई के जी बी आई के जी यू। अरे यार तुम तो एकदम 360 घुमा दिया मेरे माइंड को। पापा का स्पेलिंग में बताओ तो। पापा के नाम का? बी आई के यू
तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम कुमार। विक्रम का स्पेलिंग क्या होता है? बी आई के यू आर एन। और छठा में पढ़ता है जी। पांचवा तुम पास कैसे हो गया? इसको अपना नाम नहीं लिखने आ रहा सर? नहीं आता, नहीं आता है वो मैटर तो उसका पर्सनल मैटर होगा, लेकिन सिक्स क्लास के बच्चा है, इसको ना अपना नाम लिखने आ रहा है, ना पापा के नाम लिखने आ रहा है, ना जनवरी फरवरी आ रहा है, तो सवाल यहाँ पे उठता है कि पाँचवा में पास कैसे हो गया? पाँचवा में परीक्षा दिया था ना जी, और पाँचवा का परीक्षा पास कर गया तो क्या लिखा था? पूछते हैं आपके हेडमास्टर साहब से कि इसको पास कैसे कर दिए। उधर हेडमास्टर साहब है, क्या बोलते हैं कि प्रधानाध्यापक कार्यालय, अंदर आ जाओ सर। थैंक यू। भैया गौतम जी आप बैठ जाइए। सबसे पहले तो आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, प्रभारी प्रधानाध्यापक। अच्छा, प्रभारी प्रधानाध्यापक है। कुल कितने बच्चे हैं सर और टीचर कितने हैं? करीब 300 से ऊपर नामांकन है। अच्छा, और शिक्षक चार ही हैं। अच्छा, शिक्षक चार हैं और बच्चे 300 प्लस हैं, कैसे मैनेज करते होंगे सर इतना बचवा को? बहुत कठिनाई होता है, क्या किया जाता है। वहाँ जाते हैं बीओ साहब के यहाँ तो कहता है कि टीचरों की कमी है, बहाली होगा तो दिया जाएगा। टीचरों की कमी है, बहाली होगा तब दिया जाएगा। और क्या क्या कमी है सर विद्यालय में? हाँ है सर, सबसे ज़्यादा तो बाउंड्री वॉल भी अधूरा है, उससे बच्चे को परेशानी होता है। सड़क पर विद्यालय है? सड़क पर विद्यालय है, उससे होता है। कुछ रास्ता के कठिनाई है, पानी उनी पड़ जाता है तो आने जाने में भी दिक्कत हो जाता है। हम अपना मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर दूर लगा करके आए। उस कठिनाई है सर, ये सब घोर दुचार। अच्छा, शौचालय बहुत खराब है सर आपके विद्यालय में? किया जाता सर बार बार है, जो हम भी कई एक बार साफ करते हैं। ग्रामीण कुछ लोग है वहाँ के, छोटे छोटे बच्चा है वहाँ के, फिर देता है करीब करीब, कबाड़ी को कभी तोड़ देता है, उनार देता है। इसी प्रकार से सर बहुत समस्या झेलने पड़ता है। तैयो है सर, हमेशा साफ सफाई करवाते रहते हैं। अच्छा, मतलब कि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रहे? हाँ, बहुत। लेकिन जो गाँव के कुछ असामाजिक तत्व हैं वो तोड़ फोड़। हाँ, कुछ करता है सर। कभी चिन्हित नहीं हो पाया कि कौन कर? चिन्हित ना हो पाया है। चिन्हित होगा तो फिर तो हो ही जाएगा। फिर तो ऊपरे कार्रवाई किया जाएगा उस पर, कौन करवाए। बच्चे को खेलने उलने के लिए देखिए यहाँ पे कैरम बोर्ड आया है, बैट बॉल आया है, हॉकी आया है, मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं वो विद्यालय को मिला है, और हमको लगता है कि 1-2 दिन पहले आया ही है। तो धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो बच्चे लोग यहाँ पे आएंगे। देखिए बैडमिंटन आया है बच्चों को खेलने के लिए। तो ये सब जो चीज़ है वो सभी बच्चों को सभी विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में दिया जा रहा है, ताकि बच्चे का जो मतलब कि अलग से एक्टिविटी टीचर एक हर एक विद्यालय में शायद तैनात किए गए। यहाँ आए हैं कि नहीं? यहाँ भी आए हैं। वही जो कल्चरल टीचर होते हैं वो भी यहाँ पे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इस विद्यालय में 4 शिक्षक हैं कुल्लम, उसमें भी एक प्रधानाध्यापक है। इनको कार्यालय का भी काम देखना है, इनको क्या बोलते हैं कि BRC भी जाना है, पूरे स्कूल का मॉनिटरिंग भी करना है, मतलब कि जितना भी काम होता है सब कुछ इनको करना है, जनगणना भी करना है, बकरी भी गिनना है, दारू भी पकड़ना है, जो लेटरिंग कर रहा है उसको भी पकड़ना है। मतलब कि ये सब जो समस्याएं हैं वो शिक्षकों के ऊपर अपरंपार है। और हम आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसी रूम में बैठ करके जो बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं वो नियम तो बना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उस नियम को पालन करने वाले के ऊपर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं सर? जी, बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ एक शिक्षक का समस्या नहीं है, पूरे बिहार के शिक्षकों का समस्या है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो दबंगई के कारण विद्यालय में जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं और पूरे दिन BRC गोड़ते हैं। कोई कोई पूरे दिन क्या बोलते हैं कि बाजार में गुलछल्ला उड़ाते हैं। लेकिन जो बढ़िया बढ़िया शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का कारण बदनाम है। और अभी हम मैदी में हैं, और जब मैदी से आप खुदागंज जाइएगा, इस्लामपुर जाइएगा, तो लोग आपको ऐसा ऐसा कहानी सुनाएंगे कि आप मैदी आने के लिए 10 बार सोचेंगे। सही बोल रहे हैं ना सर? जी सही बात है, सही बात है। मतलब कि ऐसा अवधारणा बना दिया गया है कि मैदी कोई शिक्षक आना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे तो जो मैदी में जो विद्यालय है उसके बारे में जो गलत अवधारणाएँ की जाती है वो उसको हम खंडन करते हैं। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आ सकते हैं, कोई भी बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं, कोई भी मतलब कि आम पब्लिक भी आकर के यहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। कभी गार्जियन आए हुए थे, अपने बच्चे का एडमिशन करवाए चले गए। बाकी इस विद्यालय के रख रखाव के ऊपर और यहाँ के शिक्षकों के ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।